महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्राहम लिंकन, इन लोगों की तरह बनना चाहिए तुम कहती थी, लेकिन अब क्या हुआ? आगे उनमें से एक मैं भी क्यों ना बनूं? तुम हो सकते थे। तुम्हारे पॉलिटिशियन बनने से पहले ही तुम्हें मर्डर और करप्शन के केस में फंसा दिया। नहीं, मैं इनोसेंट हूँ, ये प्रूव हो चुका है और जनता ने मुझे एक्सेप्ट किया है। मुझे भी जनता को एक्सेप्ट करना चाहिए। सर, यू नो पॉलिटिशियंस आर करप्ट बट नॉट पॉलिटिक्स। उन लोगों को हम क्यों नहीं बदल सकते? ट्राई, ट्राई अगेन एंड अगेन बट डोंट बीट द डेड हॉर्स। मरे हुए घोड़े को मारकर जगा नहीं सकते। आई एग्री, एटलीस्ट उस घोड़े को दफन करने से, उसकी दुर्गंध से तो हम लोग बच सकते हैं ना। इस काम के लिए म्युनिसिपैलिटी है। शिवा, टू सर्व पीपल यू नीड नॉट बी ए पॉलिटिशियन। यू कैन बी ए डॉक्टर, यू कैन बी ए लॉयर, यू कैन बी ए पुलिस ऑफिसर, अबव ऑल अ गुड सिटीजन। व्हाट वाज मदर टेरेसा? शी वाज नॉट ए पॉलिटिशियन। मानता हूं आपके बताए हुए ये सारे प्रोफेशन अपने दायरे में रहते हैं बट नॉट फॉर पॉलिटिशियंस। जनता से मेलजोल का यही एक आसान रास्ता है। बस दबा के आगे बढ़ना अधिकार होता है और छीन के खाना ही राजनीति। इसलिए जनता समझती है कि राजनीति में सब बुरे लोग होते हैं, यहां तो अच्छा कोई होता ही नहीं है। लेकिन सच्ची राजनीति का अर्थ है राज्य को, जनता को यश और कीर्ति की राह पर ले जाए, और यही मेरी मंजिल है। देखो शिवा, हमारी पार्टी में तुम्हारे वापस आ जाने से हमारी पार्टी में जान आ गई है। और आप हमारे काशीपुर के बाई इलेक्शन में हमारे शंभुनाथ को जिताओगे तो हमारी इज्जत बच जाएगी, वरना राजनीति में रहना व्यर्थ ही समझो। क्योंकि दिल्ली से खड़े होने वाले सब इधर आके चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हमें सच्चाई है तो दिल्ली क्या, परलोक से भी कोई आए तो जीत हमारी होगी। हमारा शंभुनाथ तो अच्छा ही है, लेकिन आज तक झूठे भरोसे और झूठे वादों के सिवा कुछ नहीं दिया। सब आपकी कृपा है पिताजी। हम यहाँ हैं तो सिर्फ गरीबी हटाने के लिए, और जो वादा हमने किया है उसे निभाना इंसानियत है। देखो, जीतने से पहले हम लोग ऐसा ही कहते हैं। देखो शिवा, इलेक्शन के समय कितने वोट मिलेंगे ये देखते हैं। इलेक्शन नजदीक आते ही हम गरीबों में शराब और पैसा बांटकर उन लोगों का कीमती वोट उनसे खरीदते हैं और जीतकर गद्दी पर बैठते हैं, और हारे तो जनता में दंगा फसाद करवाकर सरकार को हिलाते हैं। यही राजनीति है शिवा। हमें अगर राजनीति में आगे बढ़ना है और उस पद को कायम रखना है तो हमें एक तरफ जनता को मदद करते रहनी चाहिए और दूसरी तरफ उन पर एक एक मुसीबत डालनी चाहिए, तभी तो जनता हमें याद रखती है। फिलहाल काशीपुर में हमारे शंभुनाथ का नाम नहीं है, फिर भी हम उसे जिताएंगे। वो होगा यूं कि हम दो कौमों के बीच में दंगा करवाएंगे, उसमें हजारों जाने जाएंगे। इससे पहले कि कोई दूसरा वहां पर पहुंचे, हम वहां पहुंच जाएंगे दिलासा देने के लिए। दिलासा भी देंगे, मदद भी करेंगे। हाँ, ये हमारा प्लान नहीं है। वो जो पहले अपोजिशन पार्टी में थे ना, अब वो हमारी पार्टी में आ गए, ये उन्हीं के आइडिया हैं। ये हमें बताते हैं हमारे MLA देवी प्रसाद जी। अगर हम ये इलेक्शन जीत गए तो देवी प्रसाद जी को एक अच्छी सीट देनी पड़ेगी। क्यों देवी प्रसाद जी, ठीक है ना? पिताजी, मुझे शहरी विकास मंत्री बना दीजिए। हाँ, दिला देंगे। शिवा को राज्यसभा का मेंबर बना देंगे। इन सबसे पहले जब कॉलेज में हमारे स्टूडेंट की मौत हुई थी, आपके सामने कुछ मांगे रखी थी, पहले वो पूरी कीजिए। उस बात को तुम अभी तक भूले नहीं क्या? तुम लोगों को तो सिर्फ कुर्सी चाहिए, पर मुझे तो सिर्फ जनता की खुशी। जनता की खुशी देखोगे तो हमारी पार्टी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। आपकी वजह से तो कितने गरीबों का घर बर्बाद हो गया है। इज्जत से मालूम है ना मैं कौन हूं? शिवा, पिताजी से नहीं डरा तो तुम जैसे सिरफिरे से डरूंगा क्यों? शिवा, तेरी हर बात मानने वाला मैं तेरा कीप भी नहीं हूं, और माल भेजने वाला पिम भी नहीं हूं मैं।
जो जीत के आते हैं उनकी काबिलियत और अनुभव उनके आधार पर उन्हें मिनिस्टर बनाया जाता है। आप लोगों को सर पकड़ने के लिए सोशल वेलफेयर है, सर फोड़ने के लिए होम डिपार्टमेंट है, आगे पीछे बिना सोचे अंगूठा छाप विद्या मंत्री है, बिना सोचे समझे पैसा खर्च करने वाला अर्थ मंत्री है। क्या सोचते हो तुम लोग, सारे देश को निचोड़ कर दिवाली मनाना चाहते हो क्यों? आप पर भरोसा करके भविष्य को आपके हाथ में सौंप कर उम्मीदों का सपना देखने वाली जनता का सपना तोड़ रहे हो तुम। आप लोग इंसान नहीं हो। अगर आप सच में जनता की भलाई चाहते हो तो अपने आप को सुधारो, सुधारने की कोशिश करो। अगर नहीं सुधार सकते ना तो गद्दी पर नहीं, गधे पर। आप लोगों को इस तरह देखकर मुझे एक कहानी याद आ रही है। राम 14 साल वनवास में जा रहे थे, तब उनके पीछे प्रजा साथ चल पड़ी। तब राम जी बोले, सज्जनों और सज्जनियों, आप मेरे पीछे मत आओ, ये कहकर वो वहां से चल दिए। भरत ने श्री राम का पादुका लेकर अपने राज्य को संभाल लिया। जब श्री राम वनवास से लौटे तब उन्हें हड्डियों के ढांचे मिले। उन्होंने भरत से पूछा, ये हड्डियां किसकी हैं? भरत ने कहा, आप जब वनवास पर निकल रहे थे तब आपने कहा था सज्जनों और सज्जनियों, परंतु एक और वर्ग था, शायद आप उन्हें भूल गए थे। तब श्री राम उनकी भक्ति पर प्रसन्न होकर उनसे कहा, आप कलयुग में नेता बनकर आएंगे। वो हिजड़े लोग तुम ही हो, तुम लोगों को राज्य चलाने के लिए गुंडों का साथ चाहिए और साथ में गनमैन चाहिए। मैं मर्दों की तरह लड़ूंगा लेकिन तुम जैसे हिजड़ों के साथ कदम से कदम नहीं मिलाऊंगा मैं। आज से तुम्हारे राजनीति का खेल खत्म हुआ। अब खत्म हो चुका है युद्ध कांड और सुंदर कांड। इसके बाद मैं शुरू करूंगा गरुड़ पुराण। देखो शिवा, जरा सोचो नहीं तो मुसीबत में फंस जाओगे। शिवा की तीसरी आंख को आप भूल रहे हैं और उसे जगाने की कोशिश करोगे तो आप सब भस्म हो जाओगे। हमला करने वाले अपोजिशन पार्टी के हैं ऐसी खबर फैला दो, सिंपैथी वोट मिलेंगे इसके, और इस हॉस्पिटल में एडमिट कर दो।